नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह सामान्य अध्ययन का टेस्ट लेके आए हैं और इसके पहले भी हमने कई प्रैक्टिस सेट आपके लगवा दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिया है तो आप सभी बच्चे हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा सामान्य अध्ययन जिस प्रकार से हिंदी आप लोग लगाते हैं या कह सकते हैं कि हिंदी आपकी एग्जाम के लिए ज़रूरत होती है उसी प्रकार से सामान्य अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है और इस सामान्य अध्ययन में आपको यूपी स्पेशल यूपी करंट अफेयर साथ में कह सकते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं सभी आपको देखने को मिलेंगे तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी आवाज़ आ रही है अगर आवाज़ आ रही हो तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं आपका पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को यहाँ पर खाली स्थान भरना है बदलने में होता है अर्थात यहाँ पर सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो डाटा को क्या करने में होता है क्या बदलता है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन बी हो जाएगा सूचना अर्थात सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है बेरिया एम क्वेश्चन आपका आइए तो ये आपका कौन सा कह सकते हैं स्टेडियम है बानवे का जवाब दीजिए यहाँ पर यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब आ रहे हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम याद रखिएगा कि 5 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अब भारत रत्न जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम आपका रख दिया है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का कौन सा झील क्रेटर झील का उदाहरण माना जाता है चलिए तिरानवे जवाब दीजिए भारत में कौन सी झील है जिसे क्रेटर झील को माना जाता है क्रेटर झील है क्रेटर मतलब कह सकते हैं कि ज्वालामुखी द्वारा आपकी निर्मित ठीक है तो यहाँ पर आपका जवाब काफी बच्चों का सही आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है तिरानवे का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा लोनार झील याद रखिएगा कि लोनार झील जो है और साथ में अगर लोनार झील ना होती तो आपकी पुष्कर झील होती याद रखिए पुष्कर झील भी आपकी क्रेटर झील ही है ठीक है समझ में आ गया ना आपकी लोनार तो पहले मिलेगा ही जब कभी ना मिले तब तो आपको पुष्कर झील लगाना है ठीक है तो लोनार झील जो कि आपकी महाराष्ट्र में है जो कि एक क्रेटर झील का उदाहरण है ठीक है क्रेटर क्या होता है जो ज्वालामुखी होता है तो ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जो होता है उसे क्रेटर बोलते हैं ठीक है ना तो जब ज्वालामुखी डेड हो जाता है तो उसमें पानी भर जाता है तो बोलते हैं कि इस प्रकार से निर्मित आपकी झील हुई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे बिल्कुल इजी क्वेश्चन चौरानवे का जवाब दीजिए यहाँ पर तो यहाँ पर वंदे मातरम गीत के जो रचयिता थे वो आपके थे ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यह हो जाएगा बंकिम चंद चटर्जी हैं ठीक है इन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की है ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश में अमरुद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र जो स्थित है कहाँ पर स्थित है पंचानवे का जवाब आपको देना है यहाँ पर और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी के चलो यहाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा प्रयागराज ठीक है ना प्रयागराज ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा ठीक है और आपको पता है प्रतापगढ़ किसके लिए है तो प्रतापगढ़ आपके आंवले के लिए आपका सर्वाधिक आंवला उत्पादन आपका होता है यहाँ पर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका लंगर व्यवस्था है इसको एक अभिन्न अंग बनाया था किसने बनाया था तो याद रखिएगा कि जो लंगर व्यवस्था है इसको जो प्रारंभ किए थे वो आपके गुरु नानक ने ठीक है लेकिन अनिवार्य रूप जो कर दिया था वो आपके अंगद ने किया था ठीक है गुरु अंगद ने लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं है अब याद रखिए गुरु अंगद की 12 साल तक सेवा किया था आपके गुरु अमरदास ने तो इस कारण से जो अब यहाँ पर आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी गुरु अमरदास याद रखिएगा इनमें देखो दोनों ऑप्शन नहीं थे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गुरु अमरदास समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है यहाँ पर बताइए कौन सा विकल्प अलग है कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आपका दिया गया है तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सी सी प्लस प्लस याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सी प्लस प्लस है ये आपका सबसे अलग है ठीक है सी प्लस प्लस एक क्या है एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है ना अदर वहीं पर देखा जाए तो सभी आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है अट्ठानवे की जवाब दीजिए यहां पर अधिकार प्रच्छा तो यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका अधिकार क्या है या किस अधिकार से ठीक है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा अट्ठानवे का सी सही हो जाएगा यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है ये तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए तो अर्ध व्यास हो जाएगा आपका छह हजार तीन सौ इकहत्तर किलोमीटर बिल्कुल जवाब है ऑप्शन राइट निन्यानबे का बी सही हो जाएगा ठीक है ना ये आपका हो जाएगा अर्ध व्यास और संपूर्ण व्यास देखा जाए तो बारह हजार सात सौ बयालीस किलोमीटर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कूट किस राज्य का त्योहार है देखिए नया क्वेश्चन है कूट किस राज्य का त्यौहार है हंड्रेड का जवाब देना है तो चपचारकूट कहाँ कहा है भाई तो यहां पर जवाब ऑप्शन राइट बी हो जाएगा मिजोरम राज्य का है जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है मिजोरम राज्य का ये एक त्यौहार है जो कि प्रत्येक वर्ष झूम ऑपरेशन के बाद मार्च महीने में मनाया जाता है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा काफी अच्छे क्वेश्चन करंट के भी हैं तो यहाँ पर एक सौ एक का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर भारत करेगा याद रखेगा अंतर्राष्ट्रीय जो आपके फुटबॉल महासंघ जो फीफा के अध्यक्ष हैं उनका याद रखिएगा जियानी इन्फेटिनो ने पंद्रह मार्च 2019 को भारत को कह सकते हैं फीफा अंडर सेवेंटीन महिला विश्व कप 2020 का मेजबान घोषित कर दिया है ठीक है किसने किया है किसकी अध्यक्षता में जियानी इन्फेंटिनो ठीक है जियानी इन्फेंटिनो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए ये टेस्ट सीरीज आपकी करंट अफेयर से भी बढ़िया है और यूपीएल भी है डेली आप टेस्ट लगाइए आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा जिस प्रकार से हिंदी को आप लोग महत्व तो देते हैं उसी प्रकार अगर जीएस को भी महत्व तो देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी चलिए नेक्स्ट कैर आपसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक सांस्कृति केंद्र कहाँ स्थित है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है एक का जवाब दीजिए एक का जवाब बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर प्रयागराज याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र तो जो सांस्कृतिक केंद्र है वो आपके कहाँ पर है प्रयागराज अर्थात आपके कह सकते हैं जो इलाहाबाद था ठीक है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कुछ आपकी वस्तुएं हैं और उत्पादन राज्य आपके हैं यहाँ पर जूट कहाँ पर मिलता है जूट तो भाई जूट जो आपका है वो आपका पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर आपका ये थ्री हो जाएगा चाय की बात करें तो चाय आपके असम क्षेत्र में होता है ठीक है ना तो ये आपका हो जाएगा असम क्षेत्र रबर रबर हो जाएगा आपका केरल क्षेत्र में हो जाएगा ये आपका दूसरा हो जाएगा गन्ना तो गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में है तो इस प्रकार से ये फोर हो जाएगा थ्री वन टू फोर ठीक है तो यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा थ्री वन टू फोर ऑप्शन राइट, राइट आपका ए सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे 104 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा लाला लाजपत राय ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा ठीक है ना और वर्ष 1920 में आपके एन एन जोशी कामा जोसेफ व लाला लाजपत राय के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो कि कंप्यूटर से है यहाँ पर खाली स्थान आपको बनना है सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पूरे अर्थात भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिस्ट कंप्यूटिंग सी डैक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया था ये आपका कौन सा है हमेशा से पूछा जाता है तो ये एक सुपर कंप्यूटर है कौन सा परम बिल्कुल सही है सबका जवाब यहाँ पर सही है परम जो परम है आपका सुपर कंप्यूटर है वो आपका सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जो पूरे है आपके भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग अर्थात सी के द्वारा बनाया गया था ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बताइए प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बताइए एक का जवाब देना है एक का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा आपके वी एस मिनहास ठीक है वी एस इसके लेखक है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट कर आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है सही जवाब देना है सभी को यहाँ पर तो यहाँ है पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कुल साक्षरता दर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट ये आपकी कुल साक्षरता दर है वहीं पर अगर बात किया जाए कि महिला तो महिलाओं की है सत्तावन दशमलव दो और पुरुषों की है आपकी सतर दशमलव तीन परसेंट चलिए नेक्स्ट कर आपसे प्राचीन भारत में संगम क्या था प्राचीन भारत में संगम क्या था एक का जवाब दीजिए सभी लोग जवाब दीजिए भाई यहां पर राइट right आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ठीक है यहां पर ए नंबर आपका हो जाएगा ठीक है कि तमिल कवियों का संघ या आपका मंडल ठीक है देखो संगम जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन ठीक है और यह प्राचीन भारत में कृष्ण एवं आपके तुंगभद्रा नदियों के तमिल प्रदेश में कवियों विद्वानों का मिलन था ठीक है तो ऑप्शन राइट आपका एक सौ आठ का जो हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा तमिल कवियों का संघ या आपका मंडल था नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जो सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है एक सुनो का सही जवाब दीजिए सभी लोग तो यहाँ पर बिल्कुल सही है जो उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य है वो आपका है ऑप्शन राइट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सी जवाब आ रहा है जिसका बिल्कुल सही है हिमाचल प्रदेश है और अगर बात करें सर्वाधिक सीमा रेखा स्पर्श करता है तो आपका वो करता है मध्य प्रदेश करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कर आपसे लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे इजी क्वेश्चन है लोकसभा के पहले स्पीकर या कह सकते हैं जिन्हें वह अध्यक्ष बोलते हैं बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर जीवी वी मौलंकर ए नंबर आपका हो जाएगा जीवी वी मौलंकर थे जिनका कार्यकाल 15 मई उन्नीस से लेके 27 फरवरी उन्नीस था ठीक है चलिए और ये अध्यक्ष के रूप में प्रथम व्यक्ति आपके थे ठीक है जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव आप कह सकते हैं कि इनके विरुद्ध लाया गया था ये भी याद रखना अविश्वास प्रस्ताव इन पर लाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच विच माध्य समय के बीच समय का जो अंतर है वो कितना है भारतीय मानक समय तथा ग्रीन विच माध्य समय के बीच समय का जो अंतर है वो कितना है 111 का जवाब देना है आपको यहाँ पर 111 का जवाब आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन रेड आपका सी हो जाएगा साढ़े पाँच घंटे का है ठीक है याद रखिए भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट कह सकते हैं नैनी से या कह सकते हैं आप लोग मिर्जापुर से ठीक है गुजरने वाली आपकी जो रेखा है वो माना जाता है ठीक है चलिए और ये आपके भारत के पांच राज्यों से गुजरती है याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेखा कितने राज्यों से पाँच राज्यों से ठीक है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए निम्नलिखित में से किनके नाम की घोषणा नहीं की गई है यहाँ पर नहीं शब्द आपसे पूछा है भाई जवाब दीजिए और ये प्रश्न आपका अनिवार्य है ठीक है तो एक का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट ऑप्शन राइट आपका बी उल्ला ठीक है उफा उल्ला, उल्ला खान इनको कह सकते हैं भारत रत्न के लिए नामित नहीं किया गया है बल्कि वहीं पर देखा जाए तो आपके ये जो आपके तीन लोग हैं इनको यहाँ पर नामित किया गया जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सम्मानित किया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद इकतालीस कुछ मामलों में काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है चलिए यहाँ पर एक जवाब दीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद कुछ मामलों में काम शिक्षा सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जो आपका है या आपका किससे संबंधित है सार्वजनिक 113 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट right आपका बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये चीज़ आपके दिए गए हैं ठीक है ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके आयलाइंस लिए गए हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि साँची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था एक जवाब दीजिए सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था 114 का जवाब क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सांची के स्तूप का निर्माण आपके अशोक महान ने तीसरी शताब्दी पूर्व में करवाया था ठीक है और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की एक कह सकते नगर पंचायत है ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों से तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है देख सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या आपकी चेकों से हो रही है और चेक जो कि आसानी से लेन देन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तुरंत आपकी स्कैन कर लेती है ये आपकी क्या है तो ये आपकी होती है एम आई सी आर ठीक है एम आई सी आर अर्थात जिसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आपके रिकग्नेशन ठीक है ये इसका होता है जो कि तेजी से प्रोसेसिंग का आपका कर लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि संघीय अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार नागरिकों को आयकर देने की छूट है संघीय अंतरिम बजट 2019 हज़ार के अनुसार नागरिकों को आयकर देने की जो छूट है वो कितने लाख तक है आपने बहुत बार पढ़ा होगा बिल्कुल सही है तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा पाँच लाख रुपए ठीक है ना पाँच लाख रुपए तक आय देने की छूट आपकी है ठीक है ए नंबर आपका सही हो जाएगा चलिए अगला है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान के तिहत्तरवां संशोधन जो आपका विधेयक है उसमें अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की थी तिहत्तरवां संविधान संशोधन में जो अपनी राय प्रस्तुत की थी या अपनी सम्मत प्रस्तुत की थी ये किसने किया था 117 का जवाब 117 का ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा ये आपका जो थी आपके संयुक्त संसदीय समिति ने किया था ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा याद रखिए तिहत्तरवां जो आपका है ठीक है संयुक्त संसदीय समिति ने पंचायती राज से संबंधित संविधान के तिहत्तरवां संशोधन विधेयक अपनी सम्मति प्रस्तुत की थी ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है तो ऑप्शन इसका जो जवाब हो जाएगा 118 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है ठीक है याद रखिए प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले जो अंतरिम बजट के ठीक पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण पेश करता है और इस सर्वेक्षण में देश की आर्थिक आर्थिक विकास के संदर्भ में मंत्रालय को समीक्षा दी जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर कि प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर किया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका यूपी स्पेशल से है तो आपके जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना जो आपके उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर किया गया तो ये प्रस्तावित आपकी है एक सौ उन्नीस का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट right आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर गौतम बुद्ध नगर में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था आपने यहाँ पर पंचवर्षीय योजना पढ़ा था तो पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता जो आपका था वो आपकी किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था 120 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा याद रखिए चौथी ठीक है चौथी आपकी योजना थी अर्थात कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति ठीक है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली ये नदी आपकी कौन सी है भाई बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके लिए है एक सौ इक्कीस का ऑप्शन राइट एक सौ इक्कीस का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा यहाँ पर देखिए जब नर्मदा नदी नहीं होती है तो ता आपको ताप्ती नदी लगाना है तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से आपके निकलती है ठीक है पश्चिम कोर भ्रंश हो घाटी से होकर बहती है और आपकी खंभा की खाड़ी में गिरती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी 122 का जवाब दीजिए एक सौ बाईस का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी आपके अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में ठीक है सत्य शोधक समाज अर्थात सत्य को खोजने वाले समाज की स्थापना किया गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है 123 का जवाब सभी को देना अनिवार्य यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है 123 का ऑप्शन राइट तो यहाँ पर ऑप्शन राइट जो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा फिनलैंड याद रखिएगा कि जो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेतृत्व में जो संयुक्त राष्ट्र के तहत जो विकास समाधान नेटवर्क है इसके द्वारा आपके बीस 20 मार्च दो को आपकी सातवीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट दो जारी की गई है और कह सकते हैं कि इसमें खुशहाली दिवस घोषित भी किया गया है इसमें 20 मार्च 2012 को घोषित किया गया था ठीक है ना तो यहाँ पर एक देशों को लिया गया था जो कि इसमें से फिनलैंड आपका प्रथम स्थान है ठीक है ना और उसके बाद नार्वे है फिर डेनमार्क है फिर आइसलैंड है ठीक है और यहीं पर देखा जाए तो भारत को आपका एक स्थान प्राप्त हुआ है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था महाभारत आपने देखा था तो महाभारत के जो फारसी अनुवाद का शीर्षक था वो आपका क्या था अर्थात महाभारत के जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो आपका किस में किया गया 124 बिल्कुल सही है सभी के जवाब आ चुका है तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा रजनामा ठीक है महाभारत के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक था वो आपका रजनामा ठीक है और मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया था और उसके प्रधान आपके फाइव थे नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल की मुद्रा क्या है 125 का जवाब दीजिए नेपाल की मुद्रा का नाम बताइए तो नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया ठीक है क्या है नेपाली रुपया तो इसका ऑप्शन राइट आपको 125 का हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर रुपया ठीक है ना रुपया अच्छा यहाँ पर अगर बात करें जो आपका लीरा है तो लीरा कहाँ की है तो लीरा तुर्की की है ठीक है ना एन एन आपके जापान की और टका आपके बांग्लादेश की मुद्रा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है जवाब देना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन राइट एक सौ छब्बीस ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा एम एस वर्ड ठीक है याद रखिए एम एस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है और याद रखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ठीक है समझ में आ गया ना ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा अगला है कि सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन है आपके सार्क संगठन है और सार्क संगठन में आठ देश हैं कौन कौन से तो भारत भी उसमें शामिल है मालदीव है पाकिस्तान भी है बांग्लादेश है अफगानिस्तान श्रीलंका भूटान और नेपाल कुल आठ हैं इनमें से सबसे जो घना बसा है वो आपका कौन सा है तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट हो जाए एक का यहाँ पर काफी बच्चों के जवाब गलत आए भाई ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर एक 27 का डी हो जाएगा बांग्लादेश ठीक है कौन है भैया बांग्लादेश है याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 16 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है और वर्ष 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा तो 2018 का यह पुरस्कार जो प्रदान किया जाएगा किसे किया जाएगा एक का ऑप्शन राइट एक का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपके यो हे ई सासा कावा ठीक है ये कह सकते हैं जापान के हैं ठीक है थीके? इनको ये पुरस्कार 2017 के लिए जो आपका एक एकल अभियान ट्रस्ट था उसके लिए आपका दिया गया ठीक है तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका एक का डी सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है ओडिशा तट पर अवस्थित आपका बंदरगाह कौन सा है एक का जवाब दीजिए बिल्कुल सही जवाब है तो उड़ीसा राज्य के जो जगत सिंहपुर जिला है वहाँ पर महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है ये आपका सी नंबर आपका पारादीप ठीक है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी पारादीप ठीक है और कह सकते हैं इस पोर्ट के निर्माण की आधारशिला जो आपकी रखी गई थी वो तीन जनवरी उन्नीस को रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 130 नंबर कि भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है 130 का जवाब दीजिए तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि अनुच्छेद छाछठ के थर्ड के अंतर्गत किया जाता है किसके द्वारा सही जवाब आ रहा है सभी का संसद के दोनों सदनों के द्वारा याद रखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा मिलकर एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो कि एकल अल संक्रमण प्रणाली है उसके द्वारा आपकी होती है ठीक है तो यहाँ पर सभी के लिए धन्यवाद जो सभी वीडियो वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं और पूरा का पूरा ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं और ईश्वर से कामना है कि जो लोग दिल से मेहनत करते हैं उनकी दिल की आवाज़ भगवान जरूर सुने ठीक है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत